हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड इवनिंग आज क्लास लेट शुरू हुई है ना इसीलिए इतनी भी लेट हुई कि सुबह हो गई सुबह का याद आ गया गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज का जो हमारा सेशन है बच्चों आज हम किंगडम मोनेरा यहाँ पर ख़त्म कर देंगे लास्ट क्लास के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज द साइन ऑफ बैक्टीरिया इसके कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स यूनिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा है कौन सा पढ़ा था स्पायरिना स्पायरिना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस था कि इट इज यूज एस अ फॉर्डर फॉर द कैटल ठीक है फिर उसके बाद हमने कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ी थी दैट इज द एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस फिर हम लोगों ने फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ी थी दैट इज द ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात की ये भी पढ़ लिया था हमने हाँ, पढ़ लिया था कि, ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर की ही होती हो रेड कलर की होती है, of of हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हमने बात की थी कि पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है फोटोसिंथेटिक है लेकिन पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ओटो इवॉल्व किया फोटोसिंथेसिस तो यू बैक्टीरिया में भी था लेकिन <coughs> दोनों के फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या तो यू बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे वो था नॉन ऑक्सीजेनिक और ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ये तमाम चीजें ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके सलवॉल कैसा है इसका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह इसका स्ट्रक्चर था ब्लू ग्रीन एल्गी का डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन वही लिपोप्रोटीन का बना होगा वही म्यूसिलोजीनियस शीट है ठीक है फिर वही आपकी बायोलेयर स्ट्रक्चर है सेल वॉल का आउटर वही, वही like बारे में हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है दैट इज द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड द सेंट्रल ठीक है फिर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म गैस वैक्यूल्स हैं एक एक आपके थाइलेक्ॉइड्स हैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था बताते दें थाइलेकॉइड जो है उस पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल उसकी बात करें हम तो सेंट्रल के अंदर आपके राइबोसोम्स हैं

तो इतना हम ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके आज की क्लास में उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी से आ जाओ एंड आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट जी गौरव कुमार यादव मैम कल का लेक्चर प्राइवेट हो गया है जी हो गया है बिल्कुल हो गया है मेरे पास मैसेजेस भी आ गए हैं कुछ स्टूडेंट्स के मतलब तुम सारे नलाये रिकॉर्डेड देखते हो रिकॉर्डेड क्यों देखते हो जी पब्लिक हो जाएगा उसमें जो आगे की जो स्लाइड्स यूज हो रही थी ना वो ऑफर चेंज हो चुके हैं मैं सेम ऑफर रिपीट करी थी आज नई स्लाइड्स मैंने डाली हैं इसीलिए वो ट्रिम होगा वो मतलब हो जाएगा वो पब्लिक हो जाएगा अभी प्राइवेट शो हो रहा है एक हाथ दिन में पब्लिक हो जाएगा ठीक है इसीलिए कहती है लाइव देख लिया करो सेशंस को <laughs> रोज आते तो ही अभी आज बच्चे दहशत में ज्यादा आए होंगे अभी कि यार ये कल वाला वीडियो प्राइवेट हो गया ऐसा नहीं हो आज का वीडियो भी प्राइवेट हो तो चलो लाइव ज्वाइन कर ले इसलिए कहते लाइव क्लासेस अटेंड किया करो चलो

आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा आप नीट यू जी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं नीट यूजी इसमें भरिएगा फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्लस चाहिए या आइकॉनिक चाहिए दोनों में से किसी भी एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को आप ऑप्ट करेंगे उसके बाद ऐसे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे उसके बाद आपके सामने इस समय से समय

आप मेरी मेंटोरशिप में आएंगे थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू यू कैन बी पार्ट ऑफ माई ग्रुप एंड माई स्पेशल बैच सुपर एटीज और आप मेरे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का भी पार्ट बन जाएंगे ठीक है तो ये सारे फायदे आपको शिवानी कोड अप्लाई करके पेमेंट करने से मिलेंगे एक मिनट बच्चों ये लैपटॉप चार्जिंग पे लगाने दो इसका बैटरी लो शो हो रहा है जस्ट गिव मी अ सेकंड स्टूडियो में इतने सारे वायर्स होते हैं ना इट्स हार्ड टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा वायर किसका है और ये चल क्यों नहीं रहा है वेट अ सेकेंड नाउ आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन यस ठीक है तो इस तरीके से आप देखो क्या क्या बम्पर ऑफर्स चल रहे हैं अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है एक बिग कॉम वो ऑफर चल रहा है कुछ बच्चे होते हैं ना मैम बायो भी ले रहा हूं मैथ्स भी ले रहा हूं ठीक है नहीं कुछ बच्चे नीट और आईआईटी दोनों का प्रिपरेशन साथ साथ करते हैं या फिर भाई बहन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो भी है बम्पर ऑफर चल रहा है अभी नीट यू प्लस आई आई जे गेट द जम्बो कॉम्बो दो साल का सब्सक्रिप्शन नीट और आई आई टी जेई दोनों का आपको सिक्सटी थाउजेंड ऑलमोस्ट फिफ्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन में मिल जाएगा ठीक है दो साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ नीट यू जी का ही पचास हजार का आता है और इतने का ही जेई का आता है यानी कि आपको वन लाख ,00 के सब्सक्रिप्शन अभी सिर्फ सिक्सटी थाउजेंड में मिल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये ऑफर सिक्सटीन जुलाई तक ही वैलिड है उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगा 16 जुलाई तक वैलिड है बहुत ही बेहतरीन ऑफर है अभी तो आप इसको अनलॉक कर सकते हैं ठीक है और क्या ऑफर चल रहे हैं नीट यूजी का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको एडिशनल पर्सनल कोच वगैरह मिलते हैं जुलाई जुलाई के अंदर ही चलेगा ये ऑफर भी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो 1 ईयर का प्राइस जो है ना 65000 है करंट प्राइस आइकॉनिक का 59000 में ही मिल रहा है ठीक है आप दो साल का सब्सक्रिप्शन प्राइस वन लाख है आइकॉनिक का वो जस्ट आपको एट्टी थाउजेंड सेवेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन मतलब इतने आपको डिस्काउंट्स और मिल रहे हैं ये आइकॉनिक के लिए है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर बारह अट्ठारह या चौबीस महीने का दो साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं नोट्स तो मैं पता नहीं क्यों फील है लेक्चर्स तो ठीक है एंड अभी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कर दिया अनअकेडमी वालों ने पहले आपको डाउट क्लियर तो होते थे लेकिन लिखकर ही टाइप करना पड़ता था अभी अन अकेडमी ने उस एक कमी को दूर कर दिया है

आपको सिक्सटी थाउजेंड के अंदर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एक साल का और उसमें प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे तो बहुत मतलब दस हजार ही एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है फिफ्ट मतलब बहुत सही सिक्सटी फाइव में था वो अभी सिक्सटी में मिल रहा है ऐसे ही अगर आप आइकॉनिक नहीं लेते आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो सिक्सटीन जुलाई तक वैलिड हैं ये सारे ऑफर्स ठीक है तो आपका जो दो साल का प्राइस मैंने बताया ना ऑलमोस्ट फिफ्टी सिक्स थाउजेंड जो है वो फोर्टी नाइन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड में मिल जाएगा आपको दो साल उस पर वो डिस्काउंट अलग मिलेगा Buy टू year सब्सक्रिप्शन इन जुलाई जुलाई के अंदर अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो आपका ये सब्सक्रिप्शन 31 अगस्त 2023 तक वैलिड रहने वाला है ऐसे बहुत जबरदस्त ऑफर्स चल रहे हैं अभी जुलाई सबसे बेस्ट टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने का ऑफर्स की भरमार है इसके अंदर और बहुत सारे बैच कोर्सेज हमारे चल ही रहे मेरा सुपर एंकर्स बैच फोर्टीन जुलाई से एक दो दिन में पब्लिश आपको वेबसाइट पे शो होने लग जाएगा तो मैं स्लाइड भी लगा दूंगी ठीक है अभी एक दो दिन है पब्लिश होने में मैं अपना आज अपनी तरफ से काम पूरा कर चुकी हूँ फोर्टीन जुलाई से मेरा सुपर रैंकर्स बैच शुरू हो रहा है नर्चर बैच सेवन्थ जुलाई से शुरू हो रहा है ये सेवंथ जुलाई से आरोहन बैच संजीवनी बैच शुरू हो रहा है मतलब बहुत सारे देखो अतुल्य बैच शुरू हो रहा है सेवन जुलाई से बहुत सारे बैच कोर्सेज चल रहे हैं बहुत सारे बैच कोर्सेज मेरा खुद का बैच कोर्स फोर्टीन जुलाई से स्टार्ट होने वाला है टारगेट ऑडियंस नीट ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और जुलाई के अंदर बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स हैं Sure टोरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे और नीट जर्नी आई विल गाइड यू यू कैन बी दार्ट ऑफ माई ग्रुप माई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एंड माई स्पेशल बैच दैट इज द सुपर इट इज ऐसे ही ऑल इंडिया रिविजन कैम्प चल रहा है बहुत सारा कुछ चल रहा है so अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप वन टाइम इतना अमाउंट पे नहीं कर सकते तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस की हेल्प ले सकते हैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है ठीक है और आप उसमें कर सकते हैं यहाँ पर ये यह कॉल करने के लिए नंबर भी दे रखा है ये देखो ये नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है मंडे टू सैटरडे आप सुबह दस से सात बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं तो आपको लोन आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा अभी एक ऑफर निकला है मतलब जो वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकता आप इस तरीके से पेमेंट कर दो ठीक है बस आपको एक चीज याद रखनी है टू गेट ऑल द बेनिफिट्स टू बी अगर आप देखो डिस्काउंट तो सब दे ही रहे अगर आप ये सारे ऑफर्स भी सब दे ही रहे हैं आप स्पेशलाइज मेरी मेंटरशिप में सुपर एटीज का पार्ट बन के नीट की जर्नी तय करना चाहते हैं तो केवल एकमात्र क्राइटेरिया शिवानी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लेना है ठीक है अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या ऑफर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए कुछ भी दिक्कत है सब्सक्रिप्शन लेने में वैसे होनी नहीं चाहिए मैंने सब बता दिया है फिर भी अगर हो तो आप मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करोगे अन्य डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो यहां पर आप मुझे फॉलो करो फॉलो करने के बाद नीचे ड्रैग करते हो तो मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर टू द पॉइंट अपना क्यूरी लिखो कि मैम सब्सक्रिप्शन रिलेटेड बात करनी है हाई हेलो का जवाब नहीं मिलता टू द पॉइंट लिखना मैम सब्सक्रिप्शन लेना उससे रिलेटेड आपसे बात करनी है आई विल कॉल यू आई विल कॉन्टैक्ट यू ठीक है साथ ही साथ यहां फॉलो करने के बाद मुझे नोटिफिकेशन ऑन कर दो हाँ जी किंगडम मोनेरा खत्म हो जाएगा टेस्ट मैं अनाउंस कर दूंगी यहां पर आके ठीक है तो अनकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए आपका जस्ट अनअकेडमी पर जितनी भी स्पेशल क्लासेस लगती हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए वो कोड पूछेगा आपको शिवानी लिखना है शिवानी कोड के साथ आप किसी भी स्पेशल क्लास को अनलॉक कर सकते हैं और शिवानी कोड के साथ शिवानी कोड कोड मांगेगा पैसे नहीं लगेंगे सिर्फ कोड मांगेगा शिवानी कोड के साथ आपका क्लास अनलॉक हो जाएगा ठीक है चलिए जी लेट्स गेट स्टार्ट विद्लास यहाँ तक तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी ये डायग्राम पूरा हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके साइटोप्लाज्म के बारे में हमने बात कर ली थी कि पैरिफेरल साइटोप्लाज्म के अंदर हमने बात की थी कि गैस वैक्यूल्स हैं हैंकॉयड हैं थाइलेकोइड्स है, के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं सेंट्रल साइटोप्लाज्म के अंदर हमने बात की थी न्यूक्लियोइड है सेवनटी एस टाइप के राइबोसोम्स जो है वो सेंट्रल साइटोप्लाज्म में भी है तो पैरिफेरल में भी है अब वो ये कह रहा है ये तो हमें ऑलरेडी पता है As we guys already know, already किया है है, कि प्रो के अंदर प्रो का जो साइटोप्लाज्म उसमें किसी भी तरीके का मैम्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होगा एबसेंट होगा करेक्ट यही पड़ा था बट देयर इज एन एक्सेप्शन व्हाट इज दिस ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी किंगडम मोनेरा के अंदर ही डाला है बिकॉज ऑफ देयर प्रोकैरियोटिक नेचर प्रोकैरियोट्स है तो इसके हिसाब से तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होना चाहिए बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी आपके एक नहीं दो दो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या एक तो हमने पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में जो बात की थी गैस वैक्यूल्स की ये बियोन्सी प्रोवाइड करता है ब्लू ग्रीन एल्गी को वाटर के अंदर ये भी एक तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है दूसरा हम बात करें थेलेकॉड्स की जो साइटोप्लाज्म पैरिफेरल साइटोप्ला था, के ऊपर ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट थे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन इट सरफेस ये भी आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ठीक है तो एक्सेप्शनली आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर दो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो दोनों के दोनों पेरीफेरल में प्रेजेंट होते हैं दैट इज द गैस वैक्यूल एंड थाकॉइड ठीक अब गैस वैक्यूल्स की बात चली है ना तो गैस वैक्यूल्स आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में तो है ही है एक्सेप्शनली गैस वैक्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया यानी कि इनके अंदर भी बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है पर्पल एंड ग्रीन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर कौन सा है वो मैम्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल ये गैस वैक्यूल्स इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है तो गैस वैक्यूल्स आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में भी है गैस वैक्यूल पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी है ठीक है तो वैसे तो ये एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया देन वी विल टॉक अबाउट द स्टोर्ड फूड उसके पहले इतना लिख लो हमने बात की कि वैसे तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर इट लैक मैमब्रीन बाउंड सेल ऑर्गेनल इट लैक मैम्ब्रीन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स वैसे तो होती नहीं है इट लैक मैमब्रीन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बट देर इज एन एक्सेप्शन वॉट इज दिस एक्सेप्शन एक्सेप्शनली आपके ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर एक नहीं दो दो मैमब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं टू मैमब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ठीक है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर दो दो मैमरिंग बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वॉटवर दे एक तो है बेटा आपका गैस वैक्यूल गैस वैक्यूल का काम क्या है इट प्रोवाइड सी टू ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर और दूसरा स्ट्रक्चर जो है इट इज दाइलेक्इड फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पर थेटिक पिगमेंट दे आर प्रेजेंट ऑन इट्स ये प्रेजेंट होते हैं बेटा ठीक है फिर हमने बात की चलो ब्लू ग्रीन गैलगी के अंदर तो ये दो मैमिन बाउंड स्ट्रक्चर है लेकिन एक्सेप्शनली अगेन देर इज वन मोर एक्सेप्शन एक्सेप्शनली जो गैस वैक्यूम्स है ना ये आपके दे आर प्रेजेंट इन पर्पल एंड ग्रीन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं पर्पल एंड ग्रीन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट है ये सारी चीजें आपको याद रखनी है यहां तक क्लियर हुआ बेटा इज इट क्लियर क्लियर चल तो ये हमने ये सारे एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए ठीक है तो ये सारे एक्सेप्शन हम लोग को याद होने चाहिए अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टोर्ड फूड स्टोर्ड फूड के बारे में हम बात करेंगे तो वो ये कह रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये फूड को ये ए नहीं है बेटा ये टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर है अल्फा गलत लिखा हुआ है इट इज अल्फा एंड बीटा ग्रेन्यूल ठीक है ब्लू ग्रीन एल्गी फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्रेन्यूल ठीक है अल्फा ग्रेन्यूल्स की मैं बात करूं तो जो अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं ये आपके साइनोफाइसिन के ही बने हुए मतलब स्ट्रक्चरली इट इज सिमिलर टू द ग्लाइकोजन

हमने जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्डी डिस्कस किया था उसमें एक था आपका ऑसिलेटोरिया ऑसिलेटोरिया के बारे में क्वेश्चन पे एक पॉइंट दे रखा है कि ऑसिलेटोरिया हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर सर्वाइव करने की कैपेसिटी होती है मतलब 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है इस वाटर का इतने गर्म पानी में भी ये सर्वाइव कर जाता है इवन तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक में भी ऑसिलेटोरिया सर्वाइव कर जाता है ये देखो टेम्परेचर ऑफ ये हॉट वाटर स्प्रिंग में जहां पर ये ऑसिलेटोरिया सर्वाइव कर जाता है इसका टेम्परेचर लगभग आपका अस्सी डिग्री सेल्सियस होता है एज आई टोल्ड यू ऑसिलेटोरिया देव कैपेसिटी टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है रीजन क्या है क्योंकि इसके प्रोटीन के अंदर बिकॉज ऑफ होमोपोलर बॉन्ड्स इन प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है जब ज्यादा टेम्परेचर होता है ना हाई टेम्परेचर और प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है लेकिन ऑसिलेटोरिया के प्रोटीन में होमोपोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से वो डीनेचुरेशन नहीं होता तो ये सर्वाइव कर जाएगा देखो यही लिखा हुआ है प्रोटीन डीनेचुरेशन होगा तो लिविंग बींग की डेथ हो जाएगी लेकिन होमोपोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इन द प्रोटीन ऑफ द साइटोप्लाजमा ऑफ ऑसिलेटोरिया जो कि इजीली ब्रेक नहीं होते ये बॉन्ड बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं तो ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने का कैपेसिटी ऑसिलेटोरिया के अंदर होता है कुल मिला के आपको तो याद रखना कि ऑसिलेटोरिया हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर भी सरवाइव कर जाता है इसका टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस होता है इसके इतना हाई टेम्परेचर में कैसे सर्वाइव कर जाता है तो बिकॉज ऑफ द होमोपोलर बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्यों क्योंकि हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा प्रोटीन के डीनेचुरेशन से उसकी डेथ हो जाती है लेकिन होमोपोलर बॉन्ड्स जो हैं इनके हाई टेम्परेचर को मतलब टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी होती है तो ये होमोपोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह से ये प्रोटीन डीनेचुरेशन नहीं होगा इसलिए सर्वाइव कर जाता है ठीक तो ये सिंपल सा स्टोर्ड फूड अल्फा ग्रेन्यूल साइनोफाइस स्टार्च सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू द ग्लाइकोजन बीटा ग्रैन्यूल आपके फैट ड्रॉपलेट्स का था फिर ये ऑसिलेटोरिया के बारे में ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया ठीक है बस फिर मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन पर आने वाली हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन वैसे तो हम नाइट्रीफिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो यहाँ पर दे रखा है कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ हाईलाइट कराऊँगी बाकी नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ाती हूँ तो डिटेल तो नहीं बट Uh, ये क्वेश्चन अधिकतर आ जाते हैं कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं सिम्बायोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करते हैं इसमें भी एरोबिक कौन से हैं एन एरोबिक कौन से हैं एरोबिक और एन एरो टर्म से मतलब समझते होंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जो दोनों इंटरक्टिंग स्पीशीज हैं उन दोनों को आपस में एक दूसरे से फायदा होता है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है इकोलॉजी में पढ़ोगे आप ट्वेल्थ के अंदर डिटेल अभी मैं सिर्फ सिर्फ नाम यूज हुआ है ना तो इसलिए उतना बता रही इकोलॉजी में पढ़ोगे सिंबायोटिक नहीं पता मैं बता देती सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है जो दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज है ना इस तरीके की रिलेशनशिप में दोनों ही को ही एक दूसरे से फायदा होता है ठीक है लेकिन हम एक और पढ़ेंगे इकोलॉजी में अभी नहीं जाऊंगी इतना डिटेल अभी सिर्फ इंट देकर छोड़ रही हूँ एक और पढ़ते हो आप प्रोटो प्रोटोकॉपरेशन इसमें भी दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज को एक दूसरे से फायदा ही होता है तो फिर दोनों में अंतर क्यों हमने अलग अलग नाम क्यों दिया एक को सिम्बेटिक एसोसिएशन और एक को प्रोटो प्रोटोकॉपरेशन क्यों बोला डिफरेंस बताती हुई तो सिमिलैरिटी है दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है दोनों के अंदर ही दोनों इंटरक्टिंग स्पीशीज को आपस में एक दूसरे से फायदा ही होने वाला है डिफरेंस ये है जो सिंबायोटिक एसोसिएशन है वो एक ऑब्लिगेट यानी कि एक कंपल्सरी रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप के बिना ये जो दोनों इंटरक्टिंग स्पीशीज है ना इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती इनको लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए रिश्ता बनाना ही पड़ेगा ठीक है तो ये रिश्ता बहुत जरूरी है प्रोटोकॉपरेशन क्या यारी दोस्ती वाला रिश्ता है है तो ठीक तू नहीं है तो भी ठीक ठीक है फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है मतलब दोनों को होता तो एक दूसरे से फायदा ही है बट ऐसा नहीं है कि जीवन जीने के लिए जरूरी है नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा दिस इज द डिफरेंस तो ये सिंबैटिक एसोसिएशन मतलब वर्ल्ड क्लियर हो गया अभी अभी सिर्फ एग्जाम्पल में रट्टे लगाएंगे डिटेल इनके एग्जाम्पल के साथ हम इकोलॉजी में ट्वेल्थ का चैप्टर है आपका वहां पर पढ़ते हैं ठीक अभी सिर्फ शब्द यूज हो रहा है तो कम से कम दिमाग में चमके तो सही इसका मतलब क्या होता है तो सिर्फ ये तो सिंबैटिक एसोसिएशन में कौन से करते हैं फ्री लिविंग फॉर्म में कौन से यानी कि कोई रिश्ता नहीं है जिसमें फ्री लिविंग है अब इसमें भी एरोबिक क्या होता है समझ में है ट्रम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनारोबिक ऑक्सीजन की एप्सेंस में तो एरोबिक कौन से है एनारोबिक कौन से है? तमाम सारे एग्जाम्पल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके पहले सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा ये देख लो स्टोर्ड फूड की बात करें हमने बात की ब्लू ग्रीन एल्गी अपना फूड स्टोर करती है इट स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ इट्स स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेन्यूल्स एंड बीटा ग्रेन्यूल्स अब इसमें लिख लो जो अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं, इट इज मेड अप ऑफ ये आपके साइनोफाइसियन स्टार्च से बना हुआ होता है, स्टार्च और इसका जो स्ट्रक्चर है इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन, स्ट्रक्चर इट इज सिमिलर टू

उसी डायरेक्शन में फॉलो किया तो आपसे आपके मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय करने के बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी इस चीज को मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ ठीक है आज रात के टाइम में ही हम बात करेंगे दस बजे मैं लाइव आऊंगी उसके लिए ठीक है क्योंकि कल शायद मैं नहीं आ पाती फिर डिले होता जाता तो मैंने आज रात का ही सेशन कंडक्ट कर दिया तो आज रात दस बजे आई विल बी लाइव फॉर दैट मेक इट श्योर दैट विल बी एन इट इज अ मस्ट वॉच इट विल बी एन आई ओपनिंग सेशन फॉर ऑल द नीट एसपरेंट्स ठीक है तो आज रात 10:00 बजे सब ज्वाइन करेंगे या yeah, ये फैट ड्रॉपलेट्स का बना होता इज मेड अप ऑफ फैट फैट ड्रॉपलेट्स ये हो गया फिर हमने ऑसिलेटोरिया के बारे में एक कांसेप्ट पढ़ा इट इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी ना ऑसिलेटोरिया ये आपके हॉट सल्फर हॉट वाटर स्प्रिंग में सरवाइव कर जाता इट कैन सरवाइव इन हॉट वाटर इसका टेम्परेचर कितना होता है इसके पानी का हॉट वाटर स्प्रिंग का लगभग टेम्परेचर होता है 80 डिग्री सेल्सियस उतने टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाती है ये ठीक है क्योंकि होमो पोलार बॉन्ड इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होमोपोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस इट कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है लिख लो ये भी हाई टेम्परेचर पर दिक्कत क्या है प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन के डीनेचुरेशन से लिविंग बींग की डेथ हो जाती है अब क्योंकि इसके प्रोटीन के अंदर होमोपोलर बॉन्ड है अच्छे खासे कॉन्सेंट्रेशन के अंदर तो ये ब्रेक नहीं होगा तो प्रोटीन डीनेचुरेशन नहीं होगा तो इस वजह से ये ऑसिलेटोरिया आपके हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाता है यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है बच्चों चलो तो ये हमने डिस्कस कर लिया अब आगे बढ़ते स्टोर्ड फूड हो गया ऑसिलेटोरिया के बारे में डिस्कस कर लिया अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल मैंने आपको बताया मैं आपको वहां पर भी पढ़ाऊंगी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बट यहां पर बता रहा है एक्चुअली एटमोसफियर में नाइट्रोजन की कोई कमी है क्या है क्या नहीं है ना अच्छी खासी क्वांटिटी में फिर भी प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन एक थोड़ा सा क्रिटिकल एलिमेंट ही है कमी फिर इतना सारा नाइट्रोजन में फिर दिक्कत क्या है एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन है ना उसको प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है एटमोसफियर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और इस नाइट्रोजन को प्लांट्स ही यूज करते हैं तो बता रहा है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी हैं जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करती हैं ये क्या करेंगी ये आपके एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन nitrogen को नाइट्रोजिनस कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड नाइट्रेट इसके अंदर कन्वर्ट कर देती हैं और ये जो नाइट्रेट है ये एक्चुअली सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ठीक है तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं ना इसल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में इनका रोल होता है कैसे करते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डी आपके इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है डिटेल डिस्कशन प्लांट फिजियो में करेंगे बस इतना याद कर लो कि एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है बट उसको नहीं प्लांट यूज करता देर आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन nitrogen को नाइट्रोजनस कंपाउंड और नाइट्रेट्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट करता है ये जो नाइट्रेट होता है ना ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इनक्रीज कर देता है ठीक है अब ब्लू ग्रीन एल्गी आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से करती है एक तो है सिम्बायोटिक फॉर्म के अंदर रिलेशनशिप नहीं होता है अब इसमें दे रखा है ठीक है ये मैं लिखवाऊंगी नहीं जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो मैं लिखवाने वाली नहीं हूं ये क्योंकि ऐसी चीज है जो मैं आगे प्लांट फिज में पढ़ाऊंगी ठीक है दो फॉर्म में करता है सिम्बॉटिक और एसिम्बैटिक के अंदर सिम्बाटिक फॉर्म के अंदर मैं हाईलाइट करवा रही हूं स्पेशली क्वेश्चन आता है एनाबीना एनाबीना किसके अंदर पढ़ा था कि किसी के अंदर कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी में दो एग्जाम्पल पढ़े थे एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस एनाबीना एंड नॉस्टॉक सिंबैटिक एसोसिएशन यानी कि दोनों को आपस में एक दूसरे से फायदा होता है लेकिन दोनों का एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं होता तो ये सिंबैटिक एसोसिएशन बनाता है विद मेनी प्लांट्स और नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है किसमें ये भले ही छोड़ दो ये सारा सिर्फ ये पॉइंट याद रख लेना एनाबीन एंड फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है देन देर इज अजोला अजोला के बारे में ये दे रखा है अगर आप अजोला को राइस के साथ ग्रो करते हैं तो ये उसके प्रोडक्शन को लगभग 50 प्रतिशत तक इंक्रीज कर देता है बिकॉज एनाबीना दे आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ अजोला की लीव में पाई जाती है क्योंकि ठीक है तो अजोला को अगर आप चावल के साथ ग्रो करवाते हैं तो ये चावल के प्रोडक्शन को पचास प्रतिशत तक बढ़ा देगा बिकॉज एनाबीना पाया जाता है इन द लीवस ऑफ अजोला और एनाबीना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा ये एक इंपॉर्टेंट है अजोला वाला ये जो ब्रैकेट में ये जो कंसेप्ट लिखा हुआ है स्क्रीन शॉट ले लेना जिसको लेना है अजोला जो है इट राइस ये इसके प्रोडक्शन को लगभग परसेंट तक बढ़ा देता है, जो की है। ये कुछ फ्री लिविंग के एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है पैडी फील्ड्स के अंदर सिर्फ नाम नाम और कुछ नहीं याद रखना दैट्स इट दैट्स इट ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर बाद में वीडियो ओपन करके रिकॉर्डेड वर्जन में देख लेना और नोट्स बना लेना अब आगे ये जो पॉइंट में लिखने बताने जा रही हूं आपको ये मैं लिखवाऊंगी यहां से डोंट वरी अबाउट दिस यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा और कई बारी पूछा गया है यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कई बारी पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है ये ठीक है क्या है ध्यान से सुनो आपके ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज फाउंड इन इज फाउंड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी डायरेक्ट पूछता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है उस सेल को हम कहते हैं हीट्रोसिस्ट ये हीट्रोसिस्ट जो है ये थिक वर्ड नॉन ग्रीन सेल होती है ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ रखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशल टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल विच इज प्रेजेंट इन द विच इज प्रेजेंट इन द ब्लू ग्रीन एलगी इट इज द हीट्रोसिस्ट हीट्रोसिस्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है लाइक अदर वेजिटेटिव सेल्स का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन थिक वर्ड ग्रीन सेल नॉन ग्रीन सेल है फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करेगा व्हाट डज इट डू इट परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है हीट्रोसिस्ट डोंट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस लाइक अदर वेजिटेटिव सेल डायरेक्ट क्वेश्चन साल मुझे याद नहीं है एग्जाम में पूछा जा चुका है पॉइंट से भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम जो बात कर रहे थे ना कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन nitrogen को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलेगा इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ना एक स्पेशल टाइप का एंजाइम चाहिए होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है दैट इज द नाइट्रोजिनियस एंजाइम इसका नाम क्या है नाइट्रोजिनियस एंजाइम ये जो एंजाइम है बेटा नाइट्रोजनियस एंजाइम ये ऑक्सीजन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है ठीक है तो इसीलिए इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए आपके रूट uh, में लेग्यूम्स प्लांट की लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा तो हीमोग्लोबिन like जुड़ गया ना ऑक्सीजन के साथ तो अभी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है नाइट्रोजनिस एंजाइम के लिए एंड एज वी गाइज ऑलरेडी नो कि नाइट्रोजनिस एंजाइम ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है तो फिर वो अपना काम करेगा समझ में आया देखो नाइट्रोजनिस एंजाइम इसका रोल है आपका इट इज नेसेसरी फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन और फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम इस एंजाइम नाइट्रोजनिस एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का जीन चाहिए होता है प्रेजेंट होता है अच्छा, यहाँ <laughs> ये, ये पर कुछ और दे रखा है वो ये बोल रहा है कि जो नाइट्रोजनीय एंजाइम है ना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहा है जो एंजाइम है जो जरूरी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजनीस एंजाइम को बनाने के लिए जो एक जीन चाहिए होता है इट इज निफ

क्लियर सिंपल सी चीज हमने डिस्कस की है कि आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करी वो पूरा आप लिख लोगे सिम्बाटिक ए सिम्बाटिक कोई चार्ट बना लेना मैंने तो यहां पर ये बात की कि हीट्रोसिस्ट के बारे में पढ़ा ये क्वेश्चन आ जाता है मैं वो वाली भाषा नहीं लिख रही मैं सिंपल लिख रही थी स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स नाइट्रोजन थ्रीन सेल्स है ठीक है दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथसिस लाइक अदर वेजिटेटिव सेल्स दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथसिस नहीं करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती है ना क्योंकि they do not perform photosynthesis like other vegetative cells ठीक एक तो ये एक हमने बात की नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में नाइट्रोजन एंजाइम के बारे में क्या देखा बेटा ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम चाहिए होता है स्पेशल। इट इज नेसेसरी आप ये विच इज नेसेसरी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन लिख लो है क्या वैसे तो नाम में ही छुपा है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम ज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम विच इज ने फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है क्या होता है इसमें ये स्कोप निस लिख लो इसके बारे में नाइट्रोजिनेस फुल फॉर्म इंड्यूजिंग फैक्टर ये जो निफीन है इट सिंथेसाइज ये बनाता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम और ये जो निफ जीन है ना ये प्रेजेंट होता है ये लिख लेना मेरे पास पेस नहीं है मैं साइड हट जाती हूं जिससे कि आप आराम से देख भी पाए ये लिख लेना बेटा कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम में ये जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम को बनाने वाला जो स्पेशल टाइप का जीन प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर उसको स्पेशल टाइप के जीन इसको हम कहते हैं निफ नाइट्रोजनियस इंडसिंग फैक्टर चीन क्लियर है क्लियर तो यह हमने डिस्कशन कर लिया ठीक है, चलो. ये हमारा discussion हो गया है. आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन पढ़ चुके ना बेटा रिप्रोडक्शन पढ़ा क्या हमने एक नहीं पढ़ा नहीं पड़ा, नहीं पढ़ा पढ़ा सुनो रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं एक है आपका वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक है आपका ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने ये तो बात करी ली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी भी है तो प्रो कैरिटी तो प्रो

फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है मेरे पास चौक नहीं है मतलब जैसे मान लो कोई भी एक पीस है उसके छोटे 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 फ्रेगमेंट मैंने ब्रेक कर दिया fragments में छोटे छोटे टुकड़े कर दिए अब उसका हर एक टुकड़ा अगर एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करे इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन मतलब एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिया आपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया देखो अभी क्या ही यूज करूं मैं जैसे एक पेपर है फ्रेगमेंटेशन है बस ये ऐसे ये फ्रेगमेंट्स कर दिए मैंने ठीक है अब अगर ये कोई तो इसका हर एक जो ये, हर एक एक जो जो ये पीस है ना इट एज न्यू ऑर्गेनिज्म दिस हैपन इन द फ्रेगमेंटेशन ऑसिलेटोरिया फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी ये इसका एग्जाम्पल है ठीक है ऑसिलेटोरिया के अंदर इसके तरीके से होता है फिर ए सल रिप्रोडक्शन पर आएंगे उसके पहले ये हार्मोसिस्ट के बारे में देख लो क्या है ये आ जाता है ठीक है फिलामेंटस प्रोकैरियो फिलामेंटस प्रोकैरियोटी या ऑसिलेटोरिया दे रिप्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस रिप्रोडक्शन के समय पर कुछ सेल्स जो हैं, दे बिकम थिक वॉल्ड जिसे हम कहते हैं हार्मोसिस्ट और हार्मोगोनिया की वजह से जो फिलामेंट्स है ना ये टूट जाते हैं दे ग्रोट ब्रोकन और इसका हर एक पार्ट ये एक नए फिलाेंट की तरह एक्ट करता है तो डिटेल इसका इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो दैट इज द ओसिलेटोरिया। तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन हो गया ए रिप्रोडक्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ स्मोर्स इन दिस मैथड इट इट इज द मैथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन का तरीका भी है जैसे कि एकाइनेट फॉर्मेशन होता है नॉस्टॉक के अंदर तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है किसने डिस्कवर किया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पूरा नोट स्किप मार सकते हो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एसेक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का तरीका तो है साथ साथ प्रोटेक्शन का भी एक तरीका है अनफेवरेबल कंडीशन में इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन फॉर एग्जांपल क्या होता है डिटेल नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में नहीं सिर्फ इतना याद कर लो एक आईनेट फॉर्मेशन होता है नॉस्टॉक के अंदर ठीक है दिस इज अबाउट दिस नेक्स्ट वाटर ब्लूम डिस्कस करेंगे उसके पहले रिप्रोडक्शन वाला सेक्शन सारा लिख लो रिप्रोडक्शन की बात करूं अगर मैं दो तरीके हैं एक है आपका वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक है आपका ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो बाइनरी फिशन भी है और फ्रेगमेंटेशन भी है एक तरीका है बाइनरी फेशन विच इज द मोस्ट कॉमन ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रो कैरी विच आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू और एक है आपका फ्रेगमेंटेशन बाइनरी फिशन जो है पायरोना यूनिसेलर ब्लू ग्रीन एल्गी जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है फिलामेंटस एल्गी दे रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड एग्जांपल ऑसिलेटोरिया Asexual method of reproduction, it is the method of it is method of protection also in it is method of protection also in unfavorable condition. For example, akinate formation in nostrils. ये आपको देखने को मिलता है इज इट क्लियर यहां तक समझ में आ गया बच्चों ठीक है यह हो गया यहां तक क्लियर तो ये रिप्रोडक्शन का तरीका भी हमने देख लिया नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वॉटर ब्लूम ये क्या होता है आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल्स अबाउट द सेम जब तक आप फटाफट फड़ से इतना नोट आउट कर लो बच्चों इतना आप नोट आउट कर लीजिए रात दस बजे मिलेंगे सेम प्लेटफॉर्म पर क्लियर नहीं दिख रहा आपकी तरफ से दिक्कत है स्नेहा मैंने लैपटॉप पर यूट्यूब ओपन किया हुआ है मतलब जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मुझे लैपटॉप पर दिखता है तभी तो पता चलता है कि जब पढ़ा रही पढ़ तुम तक पहुंच भी रहा है पता लगा बीच में लैग हुआ मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ एक डेढ़ घंटे का क्लास पूरा हो गया और उधर तुम सन्नाटा एकदम कुछ गया ही नहीं तो मैं यूट्यूब खोल के देखती हूँ यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है द प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड ठीक ये रिप्रोडक्शन वाला सेक्शन पूरा हो गया नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वॉटर ब्लूम ठीक है वॉटर ब्लूम क्या होता है पानी के अंदर प्लांट्स का एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन वाटर जो कि उस वाटर को ही पॉल्यूट कर दे स्पेशली ये ब्लू ग्रीन एल्गीवाती है इट मेनली डेवलप ड्यू टू द ब्लू ग्रीन एल्गी इसको आप कहते हैं वाटर ब्लूम जैसे कि एनाबीना फ्लॉस एक्वे माइक्रोसिस्ट ये सब माइक्रोसिस की इतनी जरूरत नहीं है मतलब मेनली वाटर ब्लूम ब्लू ग्रीन ऑलगी की वजह से होता है आपने कई बार देखा होगा ना कोई वाटर बॉडीज होती हैं आप पास से भी निकलो तो स्टिंग करती है वहां से बहुत गंदा स्मेल आता है ठीक है और ये बहुत जल्दी साफ करवाते हैं दोबारा जल्दी रैपिडली डेवलप भी हो जाता है ये ये जो स्टिंक करता है ये क्या होता है एक्चुअली प्लांट्स के अंदर पानी के अंदर प्लांट्स का एक्सेस ग्रोथ हो जाता है जिस वजह से वो पूरा देखते होंगे ना आप बिल्कुल काई की ऐसे चादर दिख हुई है वाटर बॉडी नहीं दिखती है आपको दैट इज अ वाटर ब्लू देखा होगा ना आपने आपको दूर से ऐसा दिखता है कि पूरा पानी लेकिन उस पर पूरे काई की परत जमी हुई है काई बोलते हैं ना आप मतलब मतलब ऐसे बिल्कुल काई जमी हुई होती है आप देखते हो तो पानी है तो पूरा पानी बट वो पूरा ग्रीन चादर बिछी हुई है उस पर एक काई की और बहुत गंदी बदबू आती है वहां से जब आप पास से निकलो तो तो वो वाटर ब्लूम ही होता है मतलब प्लांट का एक्सेस ग्रोथ का होना वाटर बॉडी के अंदर की वो उसको पॉल्यूट ही कर दे वाटर को इसको हम वाटर ब्लूम कहते हैं और मेनली मुख्यतः ये ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होती है ठीक है फास्टली बहुत ही रैपिडली ग्रो करती है water पर और ये ये एक toxic substance का भी secretion करती हैं। को हम कहते डेथ फैक्टर्स क्यों क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और तो पानी के अंदर जो जानवर हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ भी हो जाएगी एक गंदा स्मेल और एक गंदा टेस्ट देता है पानी को जहरीला हो गया ये पानी एंड बैड ऑर्डर गंदा स्मेल आता है टू द वॉटर ठीक है तो डेथ फैक्टर तो से ग्रो करता है और ये पानी के अंदर है. है? तो ये एक हमने डिस्कस किया अरे ठीक है फिर एकमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है स्पायरिना ऑलरेडी डिस्कस्ड है स्पैरोना प्रोटीनेशियस फूड है ना इट इज यूजर फॉर द कैटल तो ये हो गया नॉस्टॉक एना बिनासेरा ये सब हमने नॉस्टॉक एना बिना ये सब मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ाया है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है तो दे प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सॉइल बाय नाइट्रोजन मतलब कुल मिला के जो सब पड़ा उसका सारा एक साथ बता रही हूँ ठीक ऑलरेडी पढ़ लिया था स्पायरिना प्रोटीनेशियस फूड इट इज यूज अ फॉडर फॉर द कैटल ठीक है फर्टिलिटी देता है स्टराइल और उसर को भी फर्टाइल बना देगा ऑलरेडी है नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है ना एज अ ग्रीन ग्रीन भी कुछ ब्लू एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है और क्या काम है टॉक्सिन अभी जस्ट डिस्कस किया टॉक्सिक सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है डेथ फैक्टर जिसे कहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ के लिए तो है ही सही तो ये तो फायदा क्या है मैम नुकसान है ना कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे टॉक्सिन का सिक्रीशन करते हैं Uh, जो कि मॉस्क्यूटो लार्वा होता है ना जो पानी में रुके हुए पानी में जो मच्छर पनपते हैं उनको खा जाता है तो मॉस्क्यूटो लारवा के ग्रोथ को विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ मॉस्क्यो लारवा इन वाटर खाएगा कैसे जानवर तोड़ी ना है बताओ कौन सी मछली खाती है एनी बडी फ्रॉम द क्लास डॉक्टर बनोगे गवर्नमेंट जॉब अगर ऑप्ट करते हो तो शुरुआत में पोस्टिंग आती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वहाँ पर बकायदा टैंक्स बने होते हैं जिसमें गंबूसिया नामक मछली का पालन किया जाता है क्यों मैम पीसीकल्चर भी करवाते हैं वहाँ पर वो गम्बूसी मछली का पालन इसलिए करवाया जाता है फिर जब बरसात के टाइम पे गाँव की बात कर रही करूँ मैं गाँव में क्या होता है खड्डे होते हैं पानी भरता है पानी भर जाता है जगह जगह पर तो वो आपके हॉस्पिटल में जो पीएससी एस जग... सी पर आपने जो गम्बूसी मछली पाली हुई है ना अब आप इन्हें ले जाके उन खड्डों में डलवा दोगे जिससे कि वो मॉस्किटो लार्वा को खा जाए तो जिससे कि बीमारी ना फैले गाँव के अंदर तो ये सब भी किया जाता है, ठीक है ऐसे ही ब्लू ग्रीन एल की भी जो टॉक्सिन का सिक्रीशन करती है ये तो इट विल पोल्यूट द वॉटर दैट सेट ठीक है ये तो पूरा हो चुका नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट की बैक्टीरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है यहां तक तो क्लियर हो गई राम कहानी लिख ले इसे हाँ मैम लिखवा जरूर दो बस लिखो वाटर ब्लूम क्या होता है वाटर ब्लूम पानी के अंदर प्लांट्स की एक्सेसिव ग्रोथ का होना एक्सेसिव

मेन रीजन जो है वाटर ब्लूम का ये ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है इट इज मेनली ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गी ठीक है फिर हमने बात की कि मेनली तो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से ही होता है वाटर ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इट सीक्रेट टॉक्सिन इस टॉक्सिन को आप कहते हैं इट इज कॉल्ड डेथ फैक्टर ये क्या करवाता है विच लीड्स टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो इट गिव्स टॉक्सिसिटी एंड बैड ऑर्डर टू वॉटर गंदी स्मेल आती है यहाँ से ठीक अब वैसे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी लिख चुके सब्सटेंस इट इज अ फ़ूड फ़ॉर्डर फॉर द कैटल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके एना बीना आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, में पढ़ लिया नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्टिलिटी बढ़ाता है डिस्कस है

शॉर्ट में लिखा रही हूं मैं ठीक है डिटेल्स क्योंकि पढ़ा चुकी मैं ये सब एक तो हमने पढ़ा ना प्रोटीनेशियस है प्रोटीनेशियस फूड है इट इज यूज्ड एज अउडर चारे की तरह काम में लिया जाता है ना कैटल्स के लिए अच्छा खासा प्रोटीन कंटेंट होता है एनाबेना बहुत सारे ऐसे ब्लू -ग्रीन हमने पढ़े थे ना सिम्बैटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है ऑलरेडी डिस्कस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या फायदा होगा इट प्रोवाइड फर्टिलिटी टू सॉइल ठीक है सॉइल को फर्टिलिटी देगा ठीक है जो एल्कलाइन पूरा सॉइल भी होती है उसको भी फर्टाइल कर देता है एल्कलाइन सॉइल को भी फर्टाइल कर देगा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से ठीक है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है इट सिक्रीट टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि मॉस्क्यूटो लार्वा की ग्रोथ को इनिबिट करता है विच इनिबिट The growth of mosquito larva in water. ठीक एक तो ये लिख लेना एक मैं साइड हट रही मैं लिख नहीं रही लिखना चाहो तो लिख लेना इसके दुष्प्रभाव वाटर ब्लूम वाटर ब्लूम का लिखा है ना भाभी जस्ट पड़ा को अलग से लिखने की वैसे जरूरत नहीं है वाटर ब्लूम के बारे में पढ़ा ना कि मतलब मेजर इफेक्ट इसका यही है ब्लू ग्रीन एलगी का मेनली मतलब वाटर ब्लूम तो तो और टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर, तो कर रहा है यहां तक क्लियर हुआ क्लियर चलो तो ये हम पूरा यहां पर डिस्कस कर चुके किंगडम मोनेरा के अंदर एक लास्ट टॉपिक जो रहता है आपका इट इज आर्की बैक्टीरिया दैट वी विल स्टार्ट विद किंगडम प्रोटेस्टा ठीक है देखो अब आज मेरी श्रद्धा नहीं है इसके आगे पढ़ाने की आरकी uh, बैक्टीरिया मैं सोच रही हूँ क्योंकि आरकी बैक्टीरिया है बहुत इंपॉर्टेंट आरकी बैक्टीरिया है बहुत इम्पोर्टेंट तो नेक्स्ट क्लास में आरकी बैक्टीरिया और किंगडम प्रोटेस्टा में शुरू करवा दूंगी इम्पॉर्टेंट है आज मैम का एनर्जी लेवल डाउन है इसके बाद ठीक है ठीक आज दस बजे भी सेशन तो लेना ही है तुम्हारा तो आर के बैक्टीरिया नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे आर के बैक्टीरिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं ऐसे लो एनर्जी के साथ नहीं पढ़ाना चाहती बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मान के चलो आर के बैक्टीरिया बड़े ईजी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं आते बहुत ईजी आते हैं बट क्वेश्चन आता है एक ना एक तो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में किंगडम प्रोटेस्टर शुरू हो जाएगा इट इज ऑल अबाउट दिस इट इज ऑल अबाउट माई टूडेज सेशन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज़ यू कैन और आप अन अकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं वाई आई यूजिंग माई कोड शिवानी और अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो यहाँ मुझे फॉलो करो फॉलो करने के बाद नीचे ड्रैग करते हो मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं आई विल रिवर्ट यू ठीक है इट इज ऑल अबाउट दिस बहुत सारे बम्पर ऑफर्स चल रहे हैं शिवानी कोट से ना सिर्फ आपको डिस्काउंट मिलेगा आप मेरी mentorship और मेरे सुपर का पार्ट बन के नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं क्या ऑफर्स है वो सब आप वीडियो की शुरुआत में आपको मिल जाएंगे इट इज ऑल अबाउट दिस थैंक यू प्लीज इट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्टे ट्यून्स रात दस बजे मैं लाइव आऊंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सेशन के साथ तो आपको बजे वहीं मिलती हूँ ठीक है बाय बाय सी यू गाइस लिंक शेयर करके आना अपने दोस्तों के साथ मजा आएगा सेशन लगाने में ठीक है मैम किसी भी हालत में बच्चों को नहीं लाने वाले उनको भी पता लग गया तो कॉम्पिटिशन जितना अच्छा उतना अच्छा होता है साक्षी मैम दस बजे वाला वीडियो प्राइवेट मत करना प्लीज़ नहीं करेंगे अरे वीडियो प्राइवेट थोड़ी ना करती है मैम खुद कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है तो वो प्राइवेट हो जाता है और जो वीडियो प्राइवेट हुआ है लेक्चर नंबर नाइन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो भी पब्लिक हो जाएगा डोंट वरी ठीक है चलो बाय बाय थैंक यू